दोस्तों, पंजाब में भाजपा 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है और अकाली दल आंखें बंद कर बैठा है। अन्य पार्टियां भी भाजपा के मिशन 2022 को इम्पॉसिबल मानकर चल रही हैं, लेकिन भाजपा के सदस्यता अभियान के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। आज हम भाजपा के मिशन 2022 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाजपा की चुनावी संभावनाओं के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवा दें। चलो अब शुरू करते हैं। भाजपा के पंजाब प्रधान श्वेत मलिक रविवार को बठिंडा में थे। श्वेत मलिक ने बठिंडा और मानसा जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्वेत मलिक ने कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बनाने के निर्देश दिए। श्वेत मलिक ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत पंजाब में 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभियान खत्म होने से पहले ही 4 लाख नए मेंबर बनाए जा चुके हैं। श्वेत मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण पंजाब में भाजपा का आधार बढ़ा है। श्वेत मलिक ने कहा कि भाजपा पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनने की दिशा में बढ़ रही है। अकाली दल के ऐतराज को खारिज करते हुए श्वेत मलिक ने कहा कि गठबंधन के तहत भाजपा को अपना विस्तार करने का पूरा हक है, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का प्रश्न श्वेत मलिक टाल गए। आइए अब जरा अकाली भाजपा गठबंधन के रिश्तों को अंक गणित के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। गठबंधन में विधानसभा की 117 सीटों में 23 भाजपा के हिस्से में आती हैं। लोकसभा की 13 सीटों में से 3 भाजपा को मिली हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने 13 और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में 3 में से 2 सीटें जीतकर भाजपा के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भाजपा के पूर्व प्रधान कमल शर्मा ने ज़्यादा सीटों की मांग करनी शुरू कर दी थी। कमल शर्मा ने खास तौर पर मालवा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का हवाला देते हुए यह मांग की थी, लेकिन इस बीच पंजाब के दरियाओं में बहुत सा पानी बह गया है। 3 तलाक और धारा 370 के बिल पास होने के बाद पंजाब में भी भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। बेअदबी के मामले के कारण अकाली दल सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पंजाब कांग्रेस कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई में फंसी है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू के तिनके भी बुरी तरह से बिखरे पड़े हैं। ऐसे में पंजाब विधानसभा पर भगवा लहराने का इससे अच्छा मौका भाजपा को कभी नहीं मिल सकता, लेकिन राजनीति के जानकर पंजाब की धरती को भाजपा के लिए उपजाऊ नहीं मानते। बदले में भाजपा वर्कर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल का हवाला देते हैं। सही है कि पंजाब में भाजपा का संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इसकी भरपाई अन्य पार्टियों से भर्ती करके की जा सकती है। कांग्रेस के बहुत से विधायक कैप्टन सरकार के प्रति वोटर्स के बढ़ते असंतोष से चिंतित हैं। माझे के बहुत बड़े कांग्रेस नेता भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। समय आने पर उनको कांग्रेस में तोड़ का काम दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी और अकाली दल के भी कई नेता पाला बदलने की फिराक में हैं। आइए अब जरा पंजाब की जनता का मनोविज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब की जनता वर्षों से तीसरे बदल का सपना देख रही है। 2012 में पंजाब पीपल्स पार्टी और 2017 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने में पंजाब की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मनप्रीत बादल और अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों के कारण ही इसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सके थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी का मुद्दा बादलों को नीचा दिखाने के लिए लेकर आए थे। आज बेअदबी का मामला खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले की फांस बन गया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगले विधानसभा में कैप्टन और बादलों की मिलीभगत एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आइए अब जरा मिशन 2022 का पूरा गेम प्लान समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद भाजपा पंजाब में ध्यान केंद्रित करेगी। पहले अलग अलग पार्टियों से नेताओं की भर्ती का सिलसिला शुरू किया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अकाली दल के सामने रखा जाएगा।
अकाली दल नहीं मानेगा तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। नतीजों के बाद सीटों के अनुसार मुख्यमंत्री का फैसला होगा। भाजपा की स्क्रिप्ट कुछ इसी तर्ज पर होगी, अकाली दल का खुदा जाने। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।